दोस्तों यार, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं पबजी का एयर ड्रॉप बॉक्स, आप देख सकते हो, और ये है पबजी का लेवल 3 बैकपैक। दोनों में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कौन ज़्यादा बेहतर है। तो चलो यार, हम एक एक करके सबको बाहर निकालते हैं और कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले एयर ड्रॉप से जितने गैजेट्स हैं इसके अंदर सबको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो यार, वाओ, ये रहे आप देख सकते हो, और इसके साथ हमें टारगेट के लिए मिलता है, आप देख सकते हो। ये रहा एयर ड्रॉप का, तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड वाला है ये एयर ड्रॉप का है, और ये है लेवल 3 का बैकपैक। इसको भी हम किनारे कर लेते हैं और इसको भी हम निकालते हैं बाहर और देखते हैं कौन ज़्यादा बेहतर है दोनों में से। तो आप देख सकते हो, तो चलो यार हम एक ही करके सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो यार आप देख सकते हो यार, ये रहा आप लेवल 3 बैकपैक का है ये, और ये है आप देख सकते हो एयर ड्रॉप का। तो चलो यार एक ही कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा सबसे बेहतर है। तो शुरुआत करते हैं पेन से। तो यार आप देख सकते हो यार, इसमें जो एयर ड्रॉप है आप देख सकते हो, इसमें हमें मिलता है ये गोल्डन पेन मिलता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और साथ में हमें दो और भी पेन आपको देखने को मिलता है। टोटल इसमें दो पेन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये वाला तो यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो यार फेस तो इसमें दिख रहा है पीछे करने पे, तो आप देख सकते हो। तो इसको रखते हैं साइड में, और फिर इसमें हमें एक मिलता है छोटा सा पेन, आप देख सकते हो। ये पेन दोनों एक ही साइज़ के हैं मेरे ख्याल से, हाँ। तो यार इसमें एक्स्ट्रा पेन आपको देखने को मिलता है। और फिर कंपेयर करते हैं हम गन की। तो ये रहा इसका गन, आप देख सकते हो। आप खुद कमेंट करके बताना यार कौन ज़्यादा बेहतर है। आप देख सकते हो ये गन रहा इसका, इसको रखते हैं साइड में यहाँ पे, और ये रहा इसका गन। तो बताओ यार कौन ज़्यादा बेहतर गन है, ये गन है या फिर ये गन है? और मैं बताऊँ पर्सनली, तो यार मुझे ये गन ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि यार इसकी बुलेट्स हैं जो काफ़ी दूर तक जा रही हैं, ये ख़तरनाक भी है। तो मुझे अभी तक तो दोनों में विनर रहा ये आपका, आप देख सकते हो ये। और फिर हम कंपेयर करते हैं, आप देख सकते हो ये कैन का, तो यार दोनों कैन तो समान है, तो कोई दोनों में विनर नहीं हुआ। और फिर हम कंपेयर करते हैं, देख सकते हो इसके साथ हमें ये दूरबीन बोल लीजिए, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये देखने को मिलता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, आप देख सकते हो, जो कि आपको एयर ड्रॉप में ये देखने को नहीं मिलता है। तो यार इसमें तो विनर रहा आपका, आप देख सकते हो यही विनर रहा। और इसके साथ हमें एक और देख सकते हो साइलेंसर देखने को मिलता है, जो कि आप इसमें अटैच कर सकते हो। तो यार इसके साथ भी हमें कोई साइलेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यार ये विनर रहा दो चीज़ में। तो यार चलो अब आते हैं फ्लेयर गन पे। तो यार आप देख सकते हो लेवल 3 बैकपैक में हमें फ्लेयर गन देखने को मिलता है, आप देख सकते हो, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आप देख सकते हो इसमें आपको साउंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और एक तगड़ा सा इसमें लेजर लाइट देखने को मिलता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा दूर तक ही लेजर लाइट जा रहा है, आप देख सकते हो। तो यार ये प्लस पॉइंट इसके साथ है कि आप देख सकते हो इसमें लेजर लाइट मिलता है, और ये फ्लेयर गन के साथ, और इसमें आपको एक दूरबीन देखने को मिलता है। तो अब आते हैं गन के अटैचमेंट, इसके साथ हमें 3 अटैचमेंट टोटल देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। ये रहा आप देख सकते हो लेजर लाइट, इसमें लेजर लाइट मिलता है एक और, और फिर इसमें आपको टॉर्च देखने को मिलता है, आप देख सकते हो टॉर्च इसमें है, जो कि यार ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट दे रही है। और फिर आपको एक मिलता है ये, यार इसके टोटल 3 अटैचमेंट आपको देखने को मिलते हैं। और यार इस गन में सिर्फ आपको एक ऊपर बुलेट्स के लिए दे रहा है, इसमें बुलेट्स डालने के लिए, तो यार इसमें सिर्फ आपको एक अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो यार इसमें तो विनर रहा हमारा ये लेवल 3 का बैकपैक। और आते हैं ग्लास की ओर, तो यार आप देख सकते हो यार इसमें आपको एक ग्लास देखने को मिलता है, जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हो टारगेट के लिए। तो इसमें आपको कोई भी ग्लास आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यार इसमें तो विनर आपका रहा यही, क्या बोलते हैं, ये लेवल 3 का बैकपैक, नहीं सॉरी भाई, लेवल 3 के बैकपैक नहीं, आपको इसमें ये क्या बोलते हैं एयर ड्रॉप विनर रहा, क्योंकि इसमें ग्लास आपको देखने को मिलता है। और फिर आप देख सकते हो बुलेट्स की बात करें, तो यार इसमें हमें ये प्लास्टिक की बीबी बुलेट्स देखने को मिलते हैं, और फिर वाटर बुलेट्स, और फिर ये वाटर बुलेट्स आपको पानी में डालना पड़ेगा, और दो ये बुलेट्स। तो यार बुलेट्स इसमें आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इसकी बात करें तो आप देख सकते हो यार इसमें हमें एक बुलेट्स देखने को मिलता है, और फिर दो और बुलेट्स देखने को मिलता है, इसमें आपको बीबी बुलेट्स देखने को नहीं मिलता है प्लास्टिक वाला। तो इसमें तो विनर रहा यही, लेकिन यार प्लास्टिक वाला बुलेट्स अपना यूज करो, क्योंकि यार चोट बहुत अच्छी लगती है उसको, मतलब तगड़ी लगती है। और फिर आते हैं आप देख सकते हो नाइफ, तो इसका नाइफ तो मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, जब इसका अनबॉक्सिंग किया था, तो इसका नाइफ टूटा हुआ था, डिलीवरी के वक्त अच्छे से डिलीवरी किया नहीं था इन्होंने। और फिर इसका आप नाइफ देख सकते हो, इसका नाइफ सही है,
तो खैर नाइफ तो टूट गया, लेकिन दोनों में आपको नाइफ देखने को मिलता है। तो यार नाइफ दोनों में देखने को मिलता है, और फिर आते हैं ये पता नहीं क्या है भाई साहब, मुझे पता नहीं चल रहा, ये दोनों में आपको देखने को मिलता है। तो यार अगर आपको पता हो तो यार कमेंट करके बता देना, मुझे नहीं पता यार ये है क्या चीज़। और फिर आते हैं, देख सकते हो सबसे मेन जो कि यार आपको इसमें लेवल 3 के बैकपैक में आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक रियल हेलमेट आप देख सकते हो, कि रियल हेलमेट आप कह सकते हो। इसका टॉर्च तो मैंने ऑन ही करके छोड़ दिया यार, तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। अब इसके साथ अटैचमेंट आपको देखने को मिलता है, आप इसको लगा के गले में पहन सकते हो एकदम असली हेलमेट जैसे। मुझे लग रहा है अगर आप बाइक पे बैठ जाओ यार, चालान कोई काटेगा नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये तो नकली हेलमेट है। तो यार आप इसका यूज़ वीडियो शूट में भी कर सकते हो, देखते हो कि यार पबजी के लोग वीडियो शूट करते हैं कुछ, तो उसमें आप इसका अच्छा सा यूज कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी एक रियलिस्टिक लग रहा है, आप देख सकते हो वाह इसके अंदर से दिख भी रहा है। तो यार इस मामले में तो यार आप देख सकते हो यही विनर रहा, क्योंकि इसमें आपको हेलमेट देखने को मिलता है। बट यार कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, आप देख सकते हो ये दूरबीन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, और फिर से आपको इसके अंदर 3 अटैचमेंट देखने को मिलते हैं, और फिर इसके अंदर आपको फ्लेयर गन देखने को मिलता है, और फिर आपको साइलेंसर देखने को मिलता है। आप देख सकते हो पूरा मैं यहाँ रख देता हूँ, और फिर आप बताना कौन सा विनर हो, खुद आप डिसाइड करो। और इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक्स्ट्रा पेन देखने को मिलता है, गोल्डन पेन आप देख सकते हो, वाओ फेस दिख गया इसमें। तो आप देख सकते हो गोल्डन पेन आपको देखने को मिला, और फिर हेलमेट देखने को मिला, और कुछ बुलेट्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, और आप देख सकते हो ग्लास देखने को मिला, और फिर एक टारगेट के लिए आप देख सकते हो ये है, जो कि आप टारगेट लगा के यूज कर सकते हो। तो यार हो सकता है यार किसी को ये लेवल 3 का बैकपैक अच्छा लगे, और किसी को एयर ड्रॉप अच्छा लगे, क्योंकि यार इसके साथ हमें आप देख सकते हो प्यारा सा हेलमेट देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से ये विनर किसी को लगेगा, हो सकता है किसी को ये अच्छा लगे, और इसके साथ हमें ग्लास भी देखने को मिलता है, और एक एक्स्ट्रा पेन भी हमें देखने को मिलता है। और इसमें आप देख सकते हो एक दूरबीन प्लस पॉइंट है, और एक ये है आप देख सकते हो फ्लेयर गन, और एक साइलेंसर है जो कि नीचे गिर गया। तो यार आप खुद डिसाइड करो, किसी को ये हो सके अच्छा लगे, किसी को ये अच्छा लगे, तो यार ये आपकी पसंद है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे विनर बताना नीचे कमेंट करके। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अमेजिंग आपके लिए हमेशा फ्री फायर हो गया, या फिर पबजी हो गया, गन हो गया, ओम हो गया, AKM हो गया, पिस्टल गन हो गया, आपके लिए हमेशा वीडियोज लाते रहते हैं।